हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव बनर्जी और आज का जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट का ही सेकंड चैप्टर है जिसमें मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो सबसे पहले मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग को साइंस का मीनिंग जानना जरूरी है, ठीक है। जिसमें इट रेफर्स टू अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ्स। मतलब देखो, साइंस क्या है, एक जनरल ट्रूथ है जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लेन करके जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं और जिसमें कुछ ट्रूथनेस रहे, तब उसको हम लोग कहते हैं साइंस। तो मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को ये जाना होगा, कुछ पॉइंट्स लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ हम लोग कंपेयर करके जानेंगे मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, उसमें पहला पॉइंट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो साइंस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, यानी कि इधर उधर करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी काम करें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसी तरह मैनेजमेंट में भी कुछ काम अगर करेंगे तो हम लोग को सिस्टम से ही करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट साइंस है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मैनेजमेंट में अगर कुछ भी, सॉरी साइंस में जब भी हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो पूरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ रहता है पहले से। मतलब साइंस के अंदर, लैब के अंदर कुछ भी काम होता है वो तब तक उसको हम लोग सच नहीं मान सकते जब तक वो एक्सपेरिमेंट ना हो जाए। तो उसी तरह मैनेजमेंट जब कुछ भी करते हैं, मैनेजमेंट जैसे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करे, तो जब तक कोई इंसान किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज पहले नहीं कर लिया होता है तो कोई अननोन पर्सन से वो नहीं कराया जाता है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट साइंस है। और थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, इसका हिंदी होता है व्यापक वैधता। इसका मतलब क्या होता है कि ये यूनिवर्सली हर जगह वैल्यूएबल है। मतलब ये नहीं कि हम अमरीका में गए तो जो वाटर बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वो अलग हो जाएगा, ये नहीं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बन रहा, तो ये हर जगह वैलिड है साइंस का जो रूल प्रिंसिपल्स है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक जैसा हो। हमारे ही देश में ले लीजिए कि जो शादी करने का जो प्रथा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अलग अलग ढंग है शादी करने का, और उनका जो एक जो पार्टी ऑर्गेनाइज होता है उसका भी एक अलग तरीका का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट फुल्ली साइंस नहीं है। तो इसका कॉन्क्लूजन क्या निकला, अर्नेस्ट डेल नाम का एक आदमी जो है उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट फुल्ली साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट साइंस या सिंपल साइंस है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का क्वेश्चन एक आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा कि मैनेजमेंट एज अ साइंस एक्सप्लेन इट, या एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एक्सप्लेन इट, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसका हिंदी होगा प्रबंध एक कला के रूप में वर्णन करें। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्ट के वाले में, उसके बाद फिर प्रोफेशन। थैंक यू। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।